Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। 14 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 68 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 370 पर। कोई वीडियो शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटका कांग्रेस मुस्लिम लीडर्स ने मुलाकात की सीएम बसवराज बोम्मई से, जिसमें कनीस फातिमा गुलबेगा एमएलए नॉर्थ यहां पर मौजूद थे। डेलीगेशन ने कई सारे इशू से बात किया, जिसके अंदर हिजाब इशू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा और उन्होंने इस बारे में बात किया। साथ साथ एडिशनल फंड्स के बारे में बात की जो डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हिजाब के पीछे जो इनविजिबल हैंड्स हैं उससे शामिल आना ज़रूरी है और उन्हें कहा कि कोर्ट के ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे, लेकिन जिस तरह से नाइंसाफी की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स निकाले जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये सभी कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स का एक डेलीगेशन गया और बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। उसके बाद बात करते हैं हम गुरमिट कर्ल की उर्दू मीडियम स्कूल के अंदर, जहां पर लड़कियों को, हाई स्कूल के बच्चियों को हिजाब पहनकर आने पर एंट्री नहीं दी जा रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोर्ट का जो फैसला आया है उसके अंदर ड्रेस कोड, जहां पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी होती है वहीं पर ही ये रूल लागू होता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और साथ साथ कोर्ट सभी मिलकर एक ट्रांसपेरेंट फैसला लें, ताकि इस तरह कन्फ्यूजन ना हो और इस तरह के कोई मामले ना हो, क्योंकि आज से वापस से कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के और साथ साथ डिग्री कॉलेज भी। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होंगे और बहुत सारे इश्यूज भी होंगे, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीस एंड हारमोनी में सभी चीज़ों को फॉलो किया जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाहर प्रोटेस्ट हुई, जहाँ पर एसडीपीआई के साथ साथ कई सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस तरह का जो मामला पेश आया गुलबर्गा शहर के अंदर, जहाँ पर एप्लीकेशन जो इंटरिम हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है हिजाब को चलते हुए इसे सही तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा, इसे मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है, ये सारा मामला क्या है नजर डालते हैं। ये वही बात हुई, दीवाना उठा मलिला कुटे के जैसा। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये तमाम लोग मिलकर, ये लोग या तो मेंटली चैलेंज है या तो स्कूल दोपहर तक पढ़कर आए हुए लोग हैं। ये लोग करप्शन के जरिए से ऊपर आकर बैठे हुए हैं, ऐसा ये पूरा प्योर ये प्रूफ लगता है। पुलिस एएसआई और पुलिस डिपार्टमेंट वाले स्कूल्स में जाकर हिजाब निकालने के वास्ते तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आई कहाँ से? तुम हमारे टैक्स के पैसों से जी रहे हो और हमारे टैक्स के पैसों से जी कर हमारा तुम्हारा काम क्या है? पुलिस का सबसे पहले पी का मतलब है पोलाइटनेस। तुम्हारे अंदर है, थोड़ा चेक कर लो उसका मतलब क्या होता। और उसके बाद आप लोग जाकर ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ पर, लड़कियों को, जिन लड़कियों को ये हाईकोर्ट खुद कहता है कि वहाँ स्कूल के अंदर जो एसडीएमसी है वहाँ पर ये अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ सीडीसी जहाँ पर है वहाँ पर अप्लीकेबल है, तो तुम लोगों को और एक बार पढ़ना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को पढ़कर ये चीज़ें करना चाहिए। और सेकंड चीज़, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर खुद डीडीपीआई को आज सुबह कॉल कर पूछते हैं, हम आपके पास ऑर्डर कहाँ से आया, आपके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई? जब हम सवाल पूछते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था और वो टीवी चैनल पे देखा था। तो मैं उनको ये बात बोला, कहाँ तक पढ़े सर आप कहाँ तक पढ़े? एक डीडीपीआई पीएचडी पढ़ता है, पीएचडी पढ़कर डीडीपीआई बनता है। लगता है आप आधे घंटे दोपहर तक पढ़कर इस पोजीशन पे आए हैं, ऐसा लगता है। तो एकदम ये ऑफिसर्स, इनको कुछ नहीं मालूम। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल इनिशिएटिव जो कि रोटरी क्लब ऑफ गुलबर्गा मिड टाउन ने लिया है, जहां पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है स्कूल बेंचेस। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट प्रोजेक्ट नंबर 2126451 के तहत ये सारा मामला पेश आया है और आज श्रीराम कनाडा कॉन्वेंट स्कूल के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। गुलबर्गा से एक और प्रोजेक्ट जाता हुआ नजर आ रहा है 2015 के अंदर, जहां पर एक प्रोजेक्ट दिया गया था टेक्नोलॉजी सेंटर बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज 2015, यानी कि टेक्नोलॉजी सेंटर जिसे हम कहते हैं TCSP, उसे अब हटाया गया है। जैसे कि पिछली बार आप ये ऑर्डर में देख सकते हैं कि गुलबर्गा जो है 9 अलग अलग सिटीज़ में आ रहा है हिंदुस्तान भर में,
गुलबर्गा को सिलेक्ट किया गया था कर्नाटक के अंदर बैंगलोर और कोलार के साथ, लेकिन जब आप राज्यसभा के अंदर हम बात करें जो नया और अगर आप ऑर्डर देखते हैं तो ये आप वहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के अंदर सिर्फ बैंगलोर को दिया गया है, कोलार से भी चीज को निकाला गया है और गुलबर्गा से भी। अब इसके जिम्मेदार कौन है और किसकी ये जिम्मेदारी बनती है ये देखना जरूरी है। आखिर में हम बात करने वाले हैं एशियन मॉल। एशियन मॉल कंप्लीट कर रहा है अपने 10 ईयर्स ऑफ सक्सेस। 10th ईयर सेलिब्रेशन यानी टिकट सेलिब्रेशन होगा 19 फरवरी शाम 6 बजे से, जहां पर बलून ड्रॉपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, केक कटिंग, सेलिब्रेशन और ढेर सारे इवेंट्स होंगे। तो ज्वाइन करिएगा, सैटरडे के रोज़ है, वीकेंड रहेगा, तो आप हमारे साथ ज्वाइन करें। गुहाज की एंटायर टीम और एशियन मॉल की एंटायर टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एशियन मॉल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल जो है एशियन मॉल के 10 साल कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है एशियन मॉल में। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एशियन मॉल में आइए अपनी फैमिलीज और किड्स को लेके और यहाँ के सेलिब्रेशन का जश्न मनाइए हमारे साथ 19 फरवरी 2022 को। यहाँ पर आपको स्पेशलिटी जो है ये पहली बार गुलबर्गा में होने जा रहा है इवेंट, जो कि बलून ड्रॉपिंग इवेंट है। उसके साथ साथ आपको सिंगिंग, डांसिंग, बच्चों के लिए खेल कूद का मौका और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी एशियन मॉल में 19 फरवरी 2022 को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि 19 फरवरी को एशियन मॉल का जो है ना 10 साल का एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसा कि हर साल आप लोग एशियन मॉल को इतना साल से सपोर्ट करते आए हैं, इस साल भी आपसे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप एशियन मॉल को फुल सपोर्ट करेंगे और एशियन मॉल को जो है ना कामयाब बनाएंगे। बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, जैसा कि बलून ड्रॉपिंग इवेंट हो रहा है, सिंगिंग का इवेंट हो रहा है, डांसिंग का इवेंट हो रहा है और बहुत सारे गेम्स भी खिलाए जा रहे हैं यहाँ पे। केक कटिंग का इवेंट भी हो जाएगा, आ जाइए। आपसे सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना यहाँ पे इस एनिवर्सरी में शामिल होकर इस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को कामयाब बनाइए। 10 साल एशियन मॉल के 10 साल होने पर एनिवर्सरी मनाई जा रही है, 10 साल का जश्न मनाया जा रहा है, आप सबसे गुजारिश है आइए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए। एशियन मॉल इज सेलिब्रेटिंग द ह्यूज सक्सेस ऑफ 10 इयर्स, प्लीज जॉइन अस ऑन 19 फरवरी। वी द फैमिली ऑफ एशियन मॉल रिक्वेस्ट यू पीपल टू कम एंड जॉइन द इवेंट ऑन 19 फरवरी व्हिच इज ऑन सैटरडे। gohaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हां, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट gohaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।